अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन की रेस दिलचस्प हो गई है। सेंट्रिस्ट उम्मीदवार बिडेन अपने लेफ्टिस्ट प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स से आगे निकल गए हैं। हालांकि सैंडर्स के लिए अभी भी आगे निकलने का मौका है, लेकिन बिडेन का पक्ष मजबूत हो गया है। इस चुनाव में भारत और पाकिस्तान ने भी रंग भर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अब ये तय माना जा रहा है कि ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे बिडेन ही रिपब्लिकन उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस वर्ष के अंत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में चुनौती देंगे, जो बिडेन ने सुपर ट्यूसडे को हुए चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी सैंडर्स पर बढ़त बना ली है। लेकिन अब भी सैंडर्स के पास मौका है कि वो वापसी कर सकते हैं। जहां तक भारत का सवाल है कि भारत चाहेगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी से सैंडर्स के बजाय बिडेन को ही नामांकन मिले और इस वर्ष नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वही ट्रंप को चुनौती दे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बराक ओबामा के समय भी भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे थे और ओबामा के कार्यकाल में भी पाकिस्तान की दाल नहीं गली थी। भारत ये समझता है कि बिडेन ओबामा की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाएंगे। भारत को सैंडर्स पर शक इस वजह से भी है क्योंकि उनके चुनाव मैनेजर पाकिस्तानी मूल के फैज शाकिर हैं। इसके अलावा सैंडर्स ने ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली में भड़की हिंसा पर ट्रंप को निशाना बनाया था। सैंडर्स ने अपने ट्वीट में कहा था कि भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। बड़े पैमाने पर हुए मुस्लिम विरोधी हिंसा में कम से कम 27 लोग मारे गए और बहुत सारे जख्मी हुए। ट्रंप की प्रतिक्रिया थी कि ये भारत पर निर्भर करता है, ये अमेरिकी नेतृत्व की मानवाधिकार के प्रति नाकामी है। जहां तक जो बिडेन के मुस्लिम आउटरीच कोऑर्डिनेटर अमित जानी का सवाल है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पिता सुरेश जानी पीएम मोदी के मित्र रहे हैं। वो गुजरात के रहने वाले हैं और उनका संबंध आरएसएस से भी रहा है। और जब 1990 के दशक में मोदी अमेरिका गए थे तो उन्होंने मोदी की मेजबानी भी की थी। ये साफ है कि भारतीय मूल के लोगों की पसंद बिडेन है, जबकि पाकिस्तानी मूल के लोगों ने अपना जोर सैंडर्स के लिए लगा रखा है। यहाँ भी ब्रिटेन के चुनाव की तरह उपमहाद्वीप काफी सक्रिय हो गया है और ब्रिटेन की तरह यहाँ भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में आए तनाव का असर केवल दक्षिण एशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उन देशों की भी राजनीति में दिखने लगा है जहां भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोग रहते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन में भारतीय मूल के लोग बिडेन को पसंद कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी मूल के लोग सैंडर्स के साथ खड़े दिख रहे हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।